दो साल पहले उड़ी बेस शिवर में आतंकवादी हमला भारतीय इतिहास में एक ऐसी घटना थी जिसमें भारतीय सेना के कई जवानों की हत्या कर दी गई। 11 दिनों बाद भारतीय सेना द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए इस हमले का प्रतिशोध लिया गया। उसी घटना के आधार पर फिल्म उड़ी द सर्जिकल स्ट्राइक बनाई गई है, जिसका ट्रेलर आज रिलीज हो चुका है, जिसमें विकी कौशल, यामी गौतम और परेश रावल अहम किरदार नजर आएंगे। इस ट्रेलर को ट्विटर पर साझा करते हुए विकी ने ट्वीट किया। इस ट्रेलर में विकी कौशल एक सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जिन्हें अपने साथी कमांडर की हत्या का बदला लेने के लिए एक टीम का नेतृत्व करते दिखाया गया है। ट्रेलर के बैकग्राउंड में सुखविंदर सिंह द्वारा गाया गया एक गीत भी सुनाई दे रहा है। वास्तव में ट्रेलर आपको भी बहुत प्रभावशाली लगेगा। आदित्य धार द्वारा निर्देशित ये फिल्म 11 जनवरी 2019 को रिलीज होगी। अब आप भी इस ट्रेलर का आनंद लें और हमें बताएं आपको ये कैसा लगा। ऑनेस्ट रिपोर्ट।